पैगंबर मोहम्मद पर दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के विवादित बयान के बाद लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में बड़ा बवाल हो गया। पैगंबर मोहम्मद पर यति नरसिंहानंद के विवादित बयान के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सदर बाजार थाना क्षेत्र के शेखपुरा पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया। पथराव होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वही घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स और पीएसी को तैनात किया गया। दरअसल मुस्लिम समाज के लोग यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर शेखपुरा कदीम चौकी पर ज्ञापन देने पहुंचे थे। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस चौकी पर पथराव करना शुरू कर दिया। वही पथराव और प्रदर्शन की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस टीम पहुँच गयी। इसके बाद अराजक तत्वों की पहचान और धरपकड़ करने में जुट गयी। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जी हाँ, आज करीब अभी एक घंटे पहले ये शेखपुरा कदीम में जो गांव चौकी क्षेत्र में हमारा जो शेखपुरा गांव है उसके गांव प्रधान और किसान यूनियन के नौशाद जो हैं उनके द्वारा ये ज्ञापन देने का कार्यक्रम दिया किया गया था, जिसमें ज्ञापन शांतिप्रिय तरीके से चौकी पे ले लिया गया था। उसके बाद ज्ञापन देने के बाद कुछ गाँव से लोग इकट्ठा हुए, जिसमें कुछ नए उम्र के लोग भी लड़के भी थे। उनके द्वारा कुछ वहाँ पे हंगामा करने का प्रयास किया गया और कुछ पत्थर भी उनके द्वारा उठाए गए। तुरंत पुलिस ने वहाँ पे हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको तितर बितर कर दिया है। अब इसमें पुलिस की तरफ से हम मुकदमा पंजीकृत करके इसमें आगे कार्रवाई कराएंगे। ये ज्ञापन किस चीज़ को लेकर था? जी, ये जो गाजियाबाद में ये स्वामी यतिनंद जी द्वारा एक टिप्पणी करी गई है एक समुदाय विशेष पर, उसी को लेकर ज्ञापन दिया गया। तो लेकिन उनको तो हिरासत में ले लिया गया था, क्या मैसेज कन्वे नहीं हुआ था जो ये ज्ञापन? नहीं, मैसेज सबको कन्वे कर दिया गया था। हमारी स्थानीय पुलिस द्वारा भी मैसेज कन्वे कर दिया गया। जब वो ज्ञापन देने आए भी थे, पहली बार जब आपको बताऊं तो ज्ञापन आराम से शांतिप्रिय तरीके से ले लिया गया था। तो ज्ञापन देने के बाद ही कुछ लोग जो उग्र विचारधारा के थे वो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, उनके द्वारा ये वहाँ पे शांति भंग करने का प्रयास किया गया था। तो उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज? जी हाँ, उसके पुलिस की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इसमें लोगों को हिरासत में भी लिए जाने के लिए टीम लगा दी गई है। आरोपियों की शिनाख्त कैसे करें? जी, कुछ वीडियोस पुलिसकर्मी द्वारा बनाई गई हैं मौके की, उसी के आधार पर इसमें शिनाख्त की जाएगी। बता दें कि पथराव की घटना के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है। मुस्लिम संगठनों ने यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाकर रखने की अपील की। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि शेखपुरा कदीम गांव के प्रधान और किसान यूनियन की ओर से चौकी पर ज्ञापन दिया गया था। इसके बाद चौकी पर कुछ गांव के लोग जमा हो गए। इस दौरान कुछ युवकों ने अपने हाथों में पत्थर उठा लिए और पथराव करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त कर कार्रवाई की जाएगी।